घनश्याम तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, आपको क्या लगता है? घनश्याम जी, आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को। नमस्कार आपको, सत्य हिंदी के दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। तीन बातें मैं संक्षिप्त में कहूंगा। इतने समय के बाद न्याय की देवी के आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। प्रधानमंत्री कहाँ के धृतराष्ट्र हैं कि, या उनका कौन सा धृतराष्ट्र, एक राष्ट्र धृतराष्ट्र का मॉडल है कि आज तक वो संज्ञान नहीं ले पाए? आज अगर देश के सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसे मामले पर संज्ञान लेना पड़ रहा है जिसकी जिसका प्रतिदिन नया एविडेंस आ रहा है सामने, अभी भी एक नया फुटेज आया है जो बिल्कुल क्लैरिटी से दिखा रहा है किस तरीके से वहां नरसंहार किया गया, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप है, जिसके जिस मंत्री के ऊपर आरोप है, यदि आप अनेक मीडिया चैनल ने उसकी हिस्ट्री शीट डाली है, 1990 से लेकर के 2020 तक तरह तरह के अपराधों का एक सिलसिला है जिसके आरोप उन पे लगे हैं, जिसमें हत्या का भी अपराध है। एक व्यक्ति जो 30 साल से इन सिलसिलों में जुड़ा हुआ है, आज वो देश का गृह मंत्री है। इससे शर्मनाक हमारे देश के लिए कुछ नहीं है। जिस समय 29 जून 2004 को उनको हत्या के अपराध में लोअर कोर्ट ने बरी किया था, 30 जून 2004 को जज रिटायर हो गए। उसके बाद वो मामला जब परिवार ने हाई कोर्ट में दिया, 3.5 साल हो गए, वो फैसला सुरक्षित है, इस महीने आने वाला है। ऐसे खौफनाक मंजर में हम हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति को देश का गृह मंत्री बनाया है। वो किसानों को धमकाता है जिसका वीडियो है, उसके बाद जो वो किसानों को इस तरीके से इशारे करता है उसका भी वीडियो है, उनके पिता उनके बेटे का बंदूक लोडेड पिस्टल के साथ घूमते हुए वीडियो है, पिता का बयान है कि बेटा मेरे साथ था, बेटे का बयान है 2 दिन से मैं वहां गया नहीं। आप मोबाइल से लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, तमाम चश्मदीद गवाह हैं वहां पर। इसके बावजूद यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, एक ऐसे प्रदेश में जहां जर्नलिस्ट एक साल से गिरफ्तार है, कोई ठोस जर्नलिस्ट के खिलाफ प्रमाण नहीं है। 23 सितंबर को खबर छपती है द न्यूज मिनट में, 3 महिलाएं जिसमें 2 60 साल से कम ऊपर की उम्र की हैं, वो अपने रिश्तेदारों से मिलने जाती हैं जिनको उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें आरटीपीसीआर की सही सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते उनको जेल में डाल दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जहां पर आप ड्रॉप ऑफ द हैट में किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, वहां पे एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है 9 लोगों के नरसंहार का, उसके पिता के ऊपर आरोपों का सिलसिला है, वो गृह मंत्री है। आपको क्या लगता है लवप्रीत जी की माता जी जो अभी बीमार है, वो गृह मंत्री से लड़ पाएंगी ऐसे व्यक्ति से जो 30 साल से इस सिलसिलों में जूझ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने नैतिकता का सारा आधार खो दिया है। प्रधानमंत्री का एक राष्ट्र धृतराष्ट्र का मॉडल इस देश में नहीं चलेगा। ये देश लोकतांत्रिक है, हर आवाज आज कह रही है कि प्रधानमंत्री को कम से कम नैतिकता का बेसिक पैमाना उपयोग करना चाहिए। इस मंत्री को आज सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद भी आज इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इसके बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, गुरदीप सप्पल साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है? क्या आपको लगता है कि वाकई में यह भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाए, बोले नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत संयम के साथ काम किया है, आपने पूरे मामले को बहुत ही संयमित तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है? आशुतोष जी, पहले तो ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया है, किसी लोकल कोर्ट ने, किसी हाई कोर्ट ने नहीं लिया है। और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली केवल उन्हीं मामलों को अपने संज्ञान में लेता है खुद ब खुद जो या तो मौलिक अधिकारों का हनन हो, ह्यूमन राइट्स का हनन हो। ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज को उठा के और पीठ थपथपाने के लिए संज्ञान ले लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज 3 जजेस की बेंच बनाई है, वो सिंगल जज के पास भी नहीं जा रहा है, 3 जजेस की बेंच के पास ही जा रहा है। और उन्होंने प्रथम दृष्टि में ये माना है कि इसमें मौलिक अधिकारों का और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, मानवाधिकारों का वायलेशन हुआ है। और जो राज्य सरकार है उसने जिस तरह से इस केस को डील किया है उससे सुप्रीम कोर्ट नाखुश अब नजर आ रहा है और इसलिए उसने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने को हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते। अश्विनी जी ने कहा है इस बात को, लेकिन अश्विनी जी जानते हैं कि भारत में 3 स्तर की न्याय प्रणाली है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही किसी भी केस को नहीं लेगा। और यह बात सच भी है, अभी जो वीडियो नया वीडियो आया है, अनकट वीडियो है करीब 50 सेकंड का, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि लोग आराम से चल रहे हैं, कोई भड़कावा नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है, किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई लाठी नहीं है, लोग वापस अपने घरों को जा रहे हैं शायद, और पीछे से गाड़ी आती है और रौंदते हुए चली जाती है। अब इस घटना को आप देखिए, पूरे विश्व में भारत का सर नीचा करती है। इस तरह की घटनाएं दुनिया में बार बार पिछले कुछ सालों में देखी गई। नीस में एक ट्रक ने सड़क में लोगों को कुचला था, टोरंटो में एक गाड़ी ने कुचला था, बर्लिन में एक गाड़ी ने कुचला था, और पूरी दुनिया ने एक स्वर से उसकी भर्त्सना की थी।
पूरी दुनिया ने ये नहीं कहा था कि पहले रुकिए हम जांच लेते हैं कि इसमें नियत किसकी है, हम जांच लेते हैं कि ट्रक ड्राइवर को किसने भड़काया, हम देख लेते हैं कि इसमें गलती किसकी है, ये सब नहीं आया। ये आतंकवादी घटना माना जाती है क्योंकि निरीह लोग जो चल रहे हैं, ये कोई रंजिश का मामला नहीं था आशुतोष जी, ये कोई प्रॉपर्टी का मामला नहीं था, ये कोई ऐसा मामला नहीं था जो व्यक्तिगत मामला था, ये आम किसान चल रहे थे और राजनीतिक कारणों से चूंकि वो मोदी जी की नीतियों का विरोध कर रहे थे और विरोध करते हुए वहां जमा हुए थे, उनको मंत्री के परिवार की गाड़ी ने कुचला है और मंत्री की गाड़ी है, मंत्री का बेटा है, भड़काने में मंत्री का भाषण है, इसलिए मंत्री की जो सरकार है चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो यूपी में हो, वो इसकी जांच नहीं कर सकती है। यही सुप्रीम कोर्ट को भी लगा है और कल सुनवाई में यही बात सामने भी आएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।